तो हेलो गाइस, रोज़ की तरह आज भी एक नए वीडियो हम लेके आए आपके लिए। तो हमारे पास अभी TVS स्टार सिटी बाइक है और इसमें अगर दिक्कत की बात करें तो दिक्कत इसकी यही है कि जब भी हम बाइक को चलाते हैं तो सही चलता है और कभी कभी क्या होता है, अगर हम रुक गए और दोबारा बंद करके फिर दोबारा में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है और 10-15 किक हम लगाते हैं तब पर भी स्टार्ट नहीं होता है और कभी कभी होता है बहुत ही लेट से होता है स्टार्ट। तो इस तरीके से गाइस दिक्कत करता है और मतलब दिन में अगर जितना बार हम बाइक को अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो सही चलने लगा और फिर बंद कर दिए तो फिर इस तरीके से दिक्कत आने लगा। तो इस तरीके से दिक्कत है गाइस। तो हमने हालांकि इसका कार्बोरेटर को भी क्लीन किया फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले गाइस हम इसका जो हम करंट चेक किए तो करंट में ही फॉल्ट है। तो चलिए गाइस हम आपको करंट इसका चेकअप करके दिखाते हैं कि करंट में इसका जो समस्या है वो क्या समस्या है। तो जब भी गाइस इस वायर को हम इस बॉडी से जब टच करते हैं, जैसे ये हमारे 12 नंबर का बोल्ट जो है तो इसमें जब हम टच करते वायर को सटाते हैं और किक लगाते हैं तब करंट आता है और अगर थोड़ा सा दूर रखते हैं तो करंट नहीं आता है। तो चलिए हम किक लगा के दिखाते भी है आपको गाइस। और करंट भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारा पटपट सी आवाज़ होना चाहिए वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो अब गाइज हमें इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, अगर आधा इंची दूर में रहता है तो करंट नहीं पता चलता है, मतलब आता ही नहीं है, और जब हम इसे बोल्ट में लगाते हैं तब क्या है करंट आ रहा है। तो इस तरीके से दिक्कत है। तो इसे अब हमें सॉल्व किस तरीके से करना है गाइज, तो ये चीज़ हम वीडियो के अंदर पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं करंट का जो समस्या है इसे हमें कहाँ से सॉल्व करना होगा। तो चलिए गाइज हम इसे देखते हैं कि कहाँ से दिक्कत है और फिर आपको बताते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका या क्या रीज़न था हमारा जो करंट में फॉल्ट था। तो चलिए गाइज वीडियो हम आगे प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या कमी है या क्या चीज़ इसका ख़राब हुआ है या सही है। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो हमने उधर से पूरा खोल के देखा तो कहीं से कोई कुछ भी पता नहीं चला। तो अब गाइज ये आर्मेचर कॉइल जो होता है इसे हम लगाने जा रहे हैं। तो इसे हमने खोला है देख सकते हैं आप, तो ये हम दूसरा नया लगा के और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम दूर होता है या नहीं होता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा नया आर्मेचर है, आर्मेचर कॉइल है और इसमें पिकअप कॉइल भी आता है। तो ये पूरा गाइज हम असेंबली सेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से हमने पूरा फिट कर दिया है और गाइज ये सब हमने नहीं लगाया, फ़िलहाल हमने सिर्फ इसे लगाया है चेक करने के लिए कि हम चेक करके देखेंगे हालांकि हमारा ठीक ठाक हुआ या नहीं हुआ। पहले क्या था रीज़न गाइज चलिए हम उधर से बताते हैं आपको और पहले दिखाया भी थे आपको किस तरीके से ये दिक्कत करता था। पहले क्या दिक्कत है कि जब भी हम अगर इस वायर को अगर हम इतना दूर पे आप दिखा देते हैं बढ़िया से आपको, अगर इतना दूरी पे हम इसे रखते थे तो क्या था करंट नहीं आ रहा था, मतलब कहीं पता ही नहीं चल रहा था। और इस तरीके से अगर हम सटाते थे थोड़ा सा नज़दीक करते थे तो तब हमारा करंट आता था। और अब हमें देखना है कि दूर से करंट आता है या नहीं आता है, जो हमारा दिक्कत था गाड़ी में वही दिक्कत था करंट का, जो कि कभी कभी करंट नहीं आता था और स्टार्ट नहीं हो रहा था, इस तरीके से दिक्कत था। तो चलिए हम इसे अब देखते हैं। हाँ पकड़ ना, तो अब हम जितना दूर से पहले हमारा नहीं आ रहा था करंट उतना दूर से ही हमें चेक करना है पहले। अब आप देख सकते हैं जो करंट का जो हमारा आवाज़ होना चाहिए पट पट सी वो आवाज़ भी अब बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं गाइस अब कितना भी दूर से हम अगर इसे चेक करते हैं इतना भी दूर करते हैं आधा इंची तब पर भी हमारा करंट सही आ रहा है। तो अगर करंट आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक आता है तो वो अगर आप आधा इंची दूर से भी इसे कच करते हैं तो वो चीज़ करंट अगर आपका सही है करंट का प्रॉब्लम तो वो चीज़ आपका कनेक्ट सही करेगा, मतलब करंट सही आवाज़ करेगा। और नज़दीक से अगर आता है और दूर से थोड़ा नहीं आता है समझिए आपका करंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो इस तरीके से हमें करंट चेक करना चाहिए, देख सकते हैं।
अब दूर से भी हम इसे टच करते हैं तब पर भी ये करंट हमारा पूरा प्रॉपर आ रहा है। और इसी के साथ गाइज अब जो हमारा बाइक का जो प्रॉब्लम था वो चीज़ बिल्कुल दूर हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से भी ये सब कपलर जो पिन होता है इसे भी हमने सफाई करके लगाया, और यहाँ से भी हमने करंट पहले चेक किया कि देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ से हमारा करंट आ रहा है। कभी कभी ये भी हमारा अगर ख़राब हो जाता है तो इसके ज़रिए से भी इस तरीके से दिक्कत करता है, मिसिंग का या झटका लेने का ये सब दिक्कत आता है। तो यहाँ से भी हमने करंट चेक किया तब पर भी मुझे उसी तरीके से महसूस हुआ कि करंट जो जिस तरीके से इसका आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा था। तो ये सब भी सॉकेट हमने साफ़ किया और वहाँ से भी पूरा सफाई किया तब पर भी गाइस, और आप देख सकते हैं हमने इग्निशन लॉक जो होता है इसे भी हमने दूसरा नया लगा के भी चेक किया तब पर भी ये गाइस नहीं हुआ, और लास्ट में हमें आर्मेचर कॉइल ही लगाना पड़ा तब ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है अब। और ये पूरा 100% है कि गाइस कहीं भी है अब दिक्कत नहीं करेगा इस तरीके से। तो चलिए अब इसे हम खोल के इसमें पैकिंग वैकिंग लगाएंगे और ये सब सामान जो था हमारा ये सब भी हम इसमें सेट करेंगे। तो इस तरीके से अगर दिक्कत करता है तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, चाहे अगर ये चीज़ नहीं है तो आप सफाई करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। और ज़्यादातर गाइज हमने ये वाला जो कॉइल होता है ये कॉइल ही ज़्यादातर ख़राब होता है, कभी कभी ये भी होता है करंट कम आने का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी ये कॉइल चेंज करना होता है तब भी वो प्रॉब्लम दूर होता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ से हमने ये सब बाइक में देखा, जैसे ये हो गया स्पोर्ट हो गया स्टार हो गया, ये सब बाइक में ज़्यादातर इसी चीज़ का दिक्कत होता है आर्मेचर का। तो चलिए गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और जाते जाते गाइज एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हमारे चैनल में गाइज इस तरीके से आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से रोज़ डेली नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप एक मैकेनिक है या मैकेनिक बनना चाहते हैं, अगर काम सीखना चाहते हैं या कहीं भी आप काम सीखते हैं तो उसके थ्रू आप हमारे काम देख के आप पूरा काम सीख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हमें सोल्यूशन करना चाहिए, किसी भी काम आता है तो इस तरीके से हम उसका हल करते हैं। तो चलिए गाइज बस वीडियो में आज के इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। तुमने पूरे आर्मेचर लगा के हर एक नट बोल्ट टाइट कर दिया है, अब गाइज बात आता है चेक करने का। और पहले क्या था 10-15 किक हम लगाते थे तब ये बाइक स्टार्ट होता था, कभी कभी एक किक में ही स्टार्ट होता था, कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होता, तो इस तरीके से प्रॉब्लम था। तो अब जो इसका चाल है आरपीएम है वो चीज़ भी बिल्कुल रुक जाता है, और पहले क्या था हम कितना भी ट्यूनिंग करते थे तब पर भी इसका आरपीएम नहीं रुकता था, मतलब चाल नहीं रुकता था। तब क्या गाइस सिर्फ हम किक अगर हल्का से भी लगाते हैं तो इसका चाल रुक जाता है, तो देख सकते हैं आप प्रॉब्लम जो है वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो गया है।